सहारनपुर थाना नकुट पुलिस द्वारा मात्र 3 घंटे में लूट व चोरी की घटना का खुलासा करते हुए 2 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन, चोरी की 1 मोटरसाइकिल की बराबर। सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा उपरोक्त लूट की घटना में चोरी की घटना का संज्ञान लेते हुए दोनों घटनाओं का शीघ्र अनावरण करने हेतु निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना नकुट प्रभारी के कुशल नेतृत्व में टीम द्वारा 10/8/2023 को अभियुक्तगढ़ निशांत पुत्र धर्मेंद्र, अंकित पुत्र रामपाल को कस्बा एटापीर में निजामुद्दीन कॉलोनी कब्रिस्तान के पास से गिरफ्तार कर मात्र 2 घंटे में उपरोक्त लूट व चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण किया। अभियुक्तगढ़ के कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन, चोरी की 1 मोटरसाइकिल बरामद की। अभियुक्तगढ़ों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। मंडल ब्यूरो सहारनपुर, हैदर अंसारी। कल 9 जुलाई को दोपहर के वक्त 2 अज्ञात बदमाशों ने, जो बाइक सवार थे, एक व्यक्ति का मोबाइल छीनकर भाग गए। जब व्यक्ति ने उनकी मोटरसाइकिल पकड़ने की कोशिश की तो उस व्यक्ति को धक्का देकर ज़मीन पर घसीट दिया और वहां से फरार हो गए। इस संबंध में मुकदमा तत्काल पंजीकृत किया गया थाना नकुट पर और टीम्स का गठन किया गया। आज 2 अभियुक्त पकड़े गए हैं इस संबंध में और उनसे जो लूटा हुआ मोबाइल भी बरामद हुआ है और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। पता करने पर यह ज्ञात हुआ है कि यह जो मोटरसाइकिल है यह भी चोरी की है, जो कि इन्होंने एक दिन पूर्व, जो कि 8 जुलाई को कस्बा अम्बेठा पीर से चोरी की थी, जिसमें भी मुकदमा पंजीकृत है। तो कुल आज इन पे 2 मुकदमे जो हैं इन दोनों अभियुक्तों पे आज गिरफ्तार किए गए, इन दोनों मुकदमों के अभियुक्त, और जिसमें से एक अभियुक्त जो है निशांत, इसका पूर्व में भी 2023 में आपराधिक इतिहास है, थाना नकुट से ही ये चोरी के केस में जेल भी गया है और आज इन दोनों अभियुक्तों को पकड़कर गिरफ्तार किया गया है और आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। सर, दोनों अभियुक्त, इन्होंने पूछताछ में बताया कि ये कुछ समय से नशे के आदि हैं और ये जो है चोरी का सामान बेचने का, इनका जो भी रकम मिलती है उससे नशे के उसमें लिप्त होना इन्होंने स्वीकार किया है और आज इनको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया।